जो ए टाइम में होगा ना उस, हाँ कितना आया लेंथ तुम्हारा ये बताओ मेरे को। दो सौ छत्तीस सर, 236। है 236? कैसे आया 236? देखो आपने, आपके पास एस्टिमेशन सब्जेक्ट था, क्वांटिटी सर्वे सब्जेक्ट था, जी सर था। उसमें क्या पढ़ा मेरे भाई? कोई डिडक्शंस वगैरह नहीं करेंगे हम लोग, ठीक? ओके सर। इस तरह से जो है हम लोग ये वाली कैलकुलेशन करेंगे इस वाली रिंग की। तो ये पूरा का पूरा रिंग क्या होगा? हाँ तो तो मोबाइल में ही है सर। देखो उसको, कल भेजा था। देखो उसको, आ रहा है सर। अरे मैंने खाली मास्टर रिंग की इसकी लेंथ बताई, लेंथ कितनी आई इसकी, लेंथ लेंथ कितनी आई इसकी, ये लेंथ कितनी आई? 1640 सर। लेंथ कितनी आई? लेंथ खाली मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कितनी आई मास्टर रिंग की, ये लेंथ कितनी आई? 850 अगर तुम्हारा कंक्रीट कवर को लेके है तो ये लेंथ कितनी आई? 772 है निकाल दोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो 6 की 6 की लेंथ आ जाएगी। मुझे एक की निकाल के बताओ, एक की लेंथ कितनी आएगी? एक की लेंथ कितनी आएगी? अगर मैं एक की पूछ रहा हूं, एक में मुझे खाली ये बता दो ये साइज क्या रहेगा, ये कितनी है? ये कितनी है भाई राहुल, ये कितनी यस है, सर। ये कितनी है? 770 सेवन सेवेंटी 770 ये कितनी? ठीक है तो ये क्या आ गई आपकी इनर रिंग की लेंथ आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर देना 6 से तो क्या आ जाएगा आपका टोटल, जितनी हमारी 6 इनर रिंग्स हैं उनकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक। यस सर। तो इसी तरह से जो है आज जो अभी मैंने बताया है इनको सॉल्व करना, ठीक है? और जो मैंने आपको जी एस्टिमेशन सर। आप सीख गए, ड्राइंग्स पढ़ना आप सीख गए, स्टील निकालना आप सीख रहे हो, साथ में बिलिंग सीख जाओगे, टेंडरिंग सीख जाओगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर सीख जाओगे, है ना? तो आपके लिए तो हम करोगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से काम कर सकते हो, है ना? जी चलो ठीक है फिर। हाँ सर। स्टील को ही बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं क्या सर? स्टील का जो कैलकुलेशन भाई अभी जो सर्वेइंग तुम करते हैं उसी कैलकुलेशन को। कर रहे हो, ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो यही बीबीएस है। इसको एक फॉर्मेट में बाद में हम जब करेंगे आगे चल के, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे पुट करते हैं, जो अभी तुम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हो इसको फिर हम लोग उसके अंदर डालते हैं, एक्सेल की शीट में प्रिपेयर करते हैं, या हाथ से भी बना के जो तुम ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना नीचे 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 कैलकुलेशन, इसको ही बीबीएस कहते हैं। इसको एक प्रॉपर वे में लिखना उसको बीबीएस कहा जाता है, चाहे तुम हाथ से लिखो चाहे तुम एक्सेल में बनाओ, बात वही है। ठीक है सर एक्सेल में एक्यूरेसी रहता है या मैनुअली एक्यूरेसी ज्यादा रहता है सर? अरे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम फॉर्मूला कहीं पे एक्सेल में भी गलत लगाओ तो एक्सेल भी गलत कैलकुलेशन देगा, मैनुअली गलत लगाओगे तो मैनुअली भी गलत देगा। ठीक है हाँ जी सर। थैंक यू सर। ओके ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट।